पीपल, वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। तो अभी आपको मेरे पीछे का बैकग्राउंड व्हाइट दिख रहा होगा, पीछे पोछा होगा, क्योंकि घर में हो रहा है काम और मुझे नहीं पता मैं कैमरे में आ रही हूँ या नहीं आ रही हूँ। मुझे बस आपको दिखाना था कि देखो ये व्हाइट कलर हो गया ना, इस वजह से लाइट कितना ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रही है यहाँ पे। आई डोंट नो इफ यू विल बी एबल टू मेक आउट और नॉट, लेकिन देखो ये जो व्हाइट प्राइमर अभी हुआ है ना, इसकी वजह से लाइट इतना रिफ्लेक्ट हो रही है। सो अंकल एंड ऑल दे हैव डिसाइडेड टू गो फॉर व्हाइट कलर, तो आई थिंक व्हाइट अच्छा लगता है, इट लुक्स वेरी क्लासी ऑल्सो। सो यहाँ पे हो रहा है व्हाइट कलर एंड आई एम ईगली वेटिंग कि कैसा लगेगा। सबसे अच्छी बात यह कि सारा घर जो है ना वो बड़ा नीट एंड क्लीन लगेगा व्हाइट कलर के बाद, दिस इज द ओनली थिंग। और जो मकड़ी की जाले वो हट जाएंगे और थोड़ी बहुत छिपकलियाँ भी गायब हो जाएंगी। सो दैट इज ऑल वॉट आई वॉन्ट। और ये आ गई है एक तितली पोछे के ऊपर, ये देखो इसको, तितली उड़ी बस में चढ़ी, कंडक्टर बोला आजा मेरे पास, तितली बोली हट बदमाश। मुझे नहीं पता आपने से कितने लोगों ने सुना है, पर बचपन में हम ये ना बहुत ज़्यादा बोलते थे। सो यार पीछे काम चल रहा है और आई मीन झाड़ू पोछा चल रहा है, वी हैव अ न्यू हाउस हेल्प, इसकी भी एक अलग ही स्टोरी है दैट आई विल टेल यू। एक तो मैंने लिपस्टिक लगाई है, ठीक है, और लिपस्टिक को ना मैंने आंखों में लगा लिया, पर ये मेरे गाल इतने लाल क्यों लग रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। शिव बोल रहे थे कि मैं सारा टाइम डोसा खाती रहती हूँ, तो डोसा जो है ना मेरे गालों में लग रहा है। तो आज ना शिवम का पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं है, शिवम ने शाम से ऐसा ड्रामा कर रखा और अभी गाने चला कर बैठे हुए, और अगर मैं बोल रही हूँ ना तो मुझे चिल्ला रहे कि मैं बोल क्यों रही हूँ, और मैं इतनी दूर इस जाली के अंदर बैठी हुई हूँ और गाने सुन रहे हैं सारे तारे तोड़ ले आवा, पता नहीं कौन सा गाना है। रात के ना 11:15 बज रहे हैं, मैं अपना ब्लॉग थप्पड़ मार रही जान बूझ के ना बर्प कर रहे हैं, ऐसे अ कर रहे हैं ताकि मेरे वीडियो में डिस्टर्बेंस आए। तो मैं ये बता रही थी कि ये पता है आप कुछ इन्होंने पढ़ानी है और इनको पता है कि मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ, लेकिन ये जान बूझ के मुझे तंग कर रहे हैं। इन्होंने अभी मैंगो शेक पिया था और अब इनको चाय पीनी है, तो मैं जा रही हूँ चाय बनाने, तो इसी बहाने मैं भी थोड़ी पी लूंगी, लेकिन मुझे एसिडिटी हो रही है। चुप रहिए ना यार, इनको पता ही नहीं है। ठीक है चलिए दोस्तों, शिवम का ना दिमाग खराब हो गया, आज ना पढ़ाई कर रहे हैं। एक तो मैंने इनके लिए जूडियो से 200 रुपए का टी शर्ट लाई थी, जो इनको अभी पता चल रहा है, इनको लग रहा है पता नहीं मैं कितना एक्सपेंसिव इनके लिए टी शर्ट लेकर आई हूँ, आप व्लॉग देखना। तो मैंने 199 का इनके लिए टी शर्ट लेकर आई थी, और शायद जिंदगी में इनका पहला, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये इनका ओशन, मैंने उल्टा कैमरा पकड़ा, ये ना इनका पहला कपड़ा है जिंदगी का जो इतना ज्यादा सस्ता होगा। तो सॉरी कह रहे तुमने मेरी लाइफ में आके इतनी आबादी करी है, अरे मुझे क्यूट लग रहा था, बहुत क्यूट कलर है, मैं इनका ना आपको पूरा लुक दिखा नहीं सकती, बड़े सही लग रहे हैं। तो क्या पता क्या बोल रहे हैं, एक तो बड़ी मुश्किल से इस घर में पेंट हो रहा है, कह रहे आंटी को बोलो टाइले भी चेंज करवा दे घर की। और पता क्या लिखे जा रहे गंदी सी राइटिंग में, और ये 20 रुपए का नोट क्यों रखा है। फैन अच्छा वो ठीक है। दोस्तों मैं सिर्फ ये बताने के लिए आई हूँ कि YouTube में आप पंखा वाला बाबा डालिए और जितनी भी वीडियोस आएंगी वो देखिए, मुझे तो फनी नहीं लग रही है, पता है इनको क्यों फनी लग रही है। सारा टाइम पढ़ने के नाम पे फोन फोन फोन। अरे तो किताबों की बेइज्जती मत करिए, चलिए इनको बंद करके रखिए, चलिए चलो दोस्तों आधी रात को चलते हैं चाय बनाने। अंधेरे किचन में मैंने फ्लैश लाइट ऑन की है, आय हाय छिछी
जस्ट लुक एट दिस मंजर. मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इतने गंदगी में रहूंगी. आई मीन पेंट हो जाएगा ना तो शायद थोड़ा डिफरेंस आ जाए. तो ये है वाग बकरी चाय, जिसके ऐड में आता है वाग बकरी चाय हमेशा रिश्ते बनाए दोस्तों. पर मेरा रिश्ता तो बिल्कुल ही ख़त्म करने वाली है, क्योंकि रात के 12 बजे मैं चाय बना रही हूँ. और इसमें देखिए ये लिखा हुआ है 1 फ्री कंटेनर, अट्रैक्टिव कंटेनर. तो ये देखकर ये लिया था कि इसमें 1 फ्री अट्रैक्टिव कंटेनर मिलने वाला है. और तो मैंने उसे पूछा कि मैम कंटेनर कैटेगरी इसके अंदर होगा, तो मुझे लगा हो सकता है कि इसके अंदर कंटेनर हो. घर आई तो मेरा ऐसा पोपट हुआ, इसमें कोई कंटेनर नहीं था. ऊपर से शिव शक्लें बना रहे थे, भिखारी हो एक डब्बे के लिए भिखारी हो, पर जो चीज फ्री मिल रही है वो तो लेनी चाहिए ना. दोस्तों ये हो गई है मज़ेदार सी चाय रेडी, बिल्कुल कड़क है और मेरी थोड़ा ज़्यादा पानी वाली है, शिवम की कम पानी वाली है. मेरा नाखून कितना गंदा लग रहा है. एनीवे तो एक बार चीनी टेस्ट कर लेती हूँ, फिर चलते हैं अंदर इसको लेकर. चीनी 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 मेरे लिए ठीक है, शिव जी के लिए कम है. लाइट करते हैं, फ्लैश ऑन कर लिया, पर मैं ना फ्लैश की तरफ देखूंगी नहीं क्योंकि मैं बिल्कुल अंधी हो जाती हूँ. उसके बाद तो मुझे कुछ दिखता ही नहीं है, मतलब सब जगह ब्लैक दिखता है, लेकिन कहीं मैं गिर ना जाऊं नीचे. शिवम खुला हुआ है, मुझे लगा दरवाजा नहीं खुला हुआ. मुझे खटक खटक की आवाज आ रही थी, क्या कर रहे थे? एक बार इसको स्टर करके देखिए चीनी ठीक है. ये कौन सा तरीका था घुमाने का? आंटी सोच रही हम दोनों पागल हो गए आज. इतनी भी गर्म नहीं है. अरे हर चीज में वीडियो बना रही है. कितने दिनों बाद आज मैं वीडियो बना रही, पता है आपको? थोड़ी सी ज्यादा कड़क हो गई है. ठीक है ठीक है दोस्तों, मिलते हैं सुबह. सो दोस्तों इसी के साथ आज के ब्लॉग का करते हैं एंड. एंड डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल. भी अगर कॉपीराइट आया ना मेरे इसमें वीडियो में तो देख लेना. ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे, बाय.